देर आर समर ले आउट्स जिसको हम देखते हैं वन इज क्रॉस डॉकिंग दिस इज़ रेलेटिवली न्यू वे टू हैंडल मूवमेंट ऑफ मटीरियल इसके अंदर ये है कि जो प्रोडक्ट uh, है वो फैक्ट्री से जब आता है तो उसको वेयर हाउस में स्टोर नहीं किया जाता uh, ट्रक्स आएंगे डिफरेंट फैक्ट्रीज से वो uh, क्या कहते हैं रिसीविंग डॉक के ऊपर लगेंगे दूसरी साइड पर आ, वो जो आ, वो ट्रक्स हैं जिन्होंने स्टोर्स को लेकर के पास मटेरियल लेकर जाने वो लगे होंगे तो फैक्ट्री के जो आ, ट्रक्स हैं उधर से माल उतरे उतारा जाएगा और डायरेक्टली दूसरे ट्रक्स के ऊपर डाल दिया जाएगा जो कि स्टोर्स को लेकर जा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट स्टोरस uh, की है उसके मुताबिक उसके ट्रक के अंदर वो मटीरियल उतनी क्वान्टिट्टी का डाल दिया जाएगा फ्राम डिफरेंट ट्रक इसके लिए टाइट uh, शेड्यूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फैक्ट्री से आ रहे हैं ट्रक और जो स्टोरस को के पास मटीरियल लेकर जाना है जिन ट्रक्स ने वो एक ही टाइम पर पहुँच जाए तो उसके लिए आ, आप, आपके पास टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए यूजली बार कोड्स यूज़ किए जाते हैं और उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन uh, के बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट्स डिफरेंट ट्रक्स के अंदर अपलोड uh, uh, किया जाता है तो वो उस बेसिस के ऊपर इसको हैंडल किया जाता है लेकिन इट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि इसके अंदर आपके स्टोरेज की कॉस्ट नहीं पड़ती uh, आप उसको मटेरियल को स्टोर नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू आवर्स मैक्सिमम वन डे स्टोर करना पड़ जाएगा अगर जो स्टोर्स को ट्रक्स लेकर जा रहे हैं वो टाइम पर ना पहुंचे, तो फिर करना पड़ जाएगा अदरवाइज ये स्टोरेज इसके अंदर आइडियली कंडीशन के अंदर टोटली एलिमिनेट हो जाता है क्रॉस डॉकिंग के अंदर इफ़ यू लुक एट ट्रेडिशनल लेआउट जो कि वेयर हाउसेज का होता था सो दिस इज बेसिकली योर ट्रेडिशनल लेआउट और इसके अंदर ये आपकी रैक्स हैं जहाँ आपने स्टोर किया हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कन्वेयर बेल्ट चल रही है और वो माल लेकर आती है इधर से स्टोरेज रैक से और इधर शिपिंग ट्रक्स के ऊपर उसको लोड किया जाता है और वो शिप वो जो ट्रक्स है वो मूव आउट कर जाते हैं इसी तरह जो रिसीविंग ट्रक्स हैं वो आते हैं रिसीविंग डॉक्स पर और उधर से मटेरियल अनलोड किया जाता है और उनको इन रैक्स के ऊपर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पहुंचा दिया जाता है सो दिस इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल लेआउट जो कि हम यूज किया करते थे लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉस डॉकिंग लेआउट आ गया इसके अंदर देर इज नो रैक्स उधर कोई वो नहीं है स्टोरेज की स्पेस इज के ट्रक्स इधर आएंगे रिसीविंग एंड शिपिंग इधर ट्रक्स आएंगे ये भी वो डॉक किंग एरिया है और मटेरियल एक ट्रक से दूसरे ट्रक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो ट्रक उस मटेरियल को लेकर चले जाएंगे सो बेसिकली इसके अंदर कोई वो नहीं है क्या कहते हैं स्टोरेज uh, की स्पेस स्टोर नहीं किया जाता डायरेक्टली ट्रांसफर uh, कर दिया जाता है एंड यू कैन सी के हाउ इम्पोर्टेंट इट इज के शेड्यूल बड़ा टाइटली उसको देखा जाए कि इसके अंदर कहीं कोई डिले वगैरह ना हो क्योंकि जितना डिले होगा रिसीविंग लेट्स से ट्रक्स के आने में उतना ज़्यादा इसको स्टोर करना पड़ जाएगा और ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होती टू स्टोर मटेरियल तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो इसलिए ऑल दो क्रॉस टॉकिंग इज़ वेरी एडवांटेजेस अगर हम इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें क्योंकि इससे एक तो आपके कॉस्ट कटिंग होती है वेयरहाउस के अंदर स्टोरेज की कॉस्ट नहीं पड़ती दूसरे ये है कि इसके अंदर आपके जो फ्लो है मटेरियल का वो बड़ा फास्ट हो जाता है उसके अंदर से स्टोरेज का एलिमेंट है जो कि नॉन प्रोडक्टिव है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है तो उसको एलिमिनेट कर, कर हम टाइम बहुत ज़्यादा इसमें सेव कर लेते हैं क्रॉस टॉकिंग के अंदर